नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, प्रधानमंत्रियों की कड़ियों में अब हम देखते हैं बीपी सिंह को। ठीक है, सबसे पहले बीपी सिंह का परिचय देखते हैं। इनका पूरा नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनके जन्म की बात करें तो 25 जून 1931 में इनका जन्म हुआ। इलाहाबाद जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। इनकी निधन की बात करें या मृत्यु की, तो 27 नवंबर 2008 को नई दिल्ली में हुआ। इनके पिता की बात करें तो पिता का नाम था बहादुर राय गोपाल सिंह। माता, सॉरी, पत्नी का नाम था सीता कुमारी। और संतान थे दो पुत्र जिनके नाम अजय और अभय। कर्म क्षेत्र की बात करें तो राजनीति, नागरिकता भारतीय थी इनकी, पार्टी थे कांग्रेस और जनता दल के। भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे विश्व प्रताप सिंह, बीपी सिंह। विश्व प्रताप सिंह को आजाद भारत के सबसे चमकदार सितारों में से एक थे। महत्वाकांक्षी होने के अतिरिक्त कुटिल राजनीतिज्ञ भी कहे जाते हैं। बीपी सिंह ने 1996 में यह कहकर प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था कि मेरे बच्चे कहें कि मेरे पिता ने प्रधानमंत्री का पद ठुकराया था। प्रारंभिक जीवन देखते हैं इनका, तो बीपी सिंह का जन्म बता दिया वैसे भी, 25 जून 1931 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। वह राजपूत घराने से संबंध रखते थे। इनके पिता भगवती प्रसाद सिंह धन संपदा वाले व्यक्ति थे। उन्होंने भी भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया। बीपी सिंह का पूरा नाम विश्व प्रताप सिंह है। जब विश्व प्रताप 5 वर्ष के हुए तो गोपाल सिंह नामक व्यक्ति ने उन्हें गोद लिया था। विश्वनाथ 10 वर्ष के हुए तो गोपाल जी का स्वर्गवास हो गया, इसलिए भी अपने घर वापस लौट आए। विश्वनाथ जी बचपन से ही बुद्धिमान, प्रतिभावान और संयमित प्रकृति के व्यक्ति थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा देहरादून, इलाहाबाद और बनारस के प्रसिद्ध स्कूलों में संपन्न हुई। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की और फिर वहीं से बाद में उन्होंने एलएलबी की। उस दौरान विज्ञान विषय अपने अपनी लोकप्रियता की चरम सीमा पर था। अतः परमाणु पदार्थ शास्त्र बनने से की दृढ़ इच्छा उन्हें पुणे की ओर खींच लाई। पुणे जाने के बाद विश्वनाथ जी ने बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी के अंकों के साथ पास की। विश्वनाथ जी पढ़ाई के साथ साथ अन्य विषयों जैसे साहित्य, कला आदि में भी विशेष रुचि थी। विद्यालय में भी वह अपने सहपाठियों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। उन्हें रंग बिरंगी छटाक बिखेरती चित्रकारी के साथ साथ संगीत की स्वर लहरियों में भी सिद्ध हस्ता हासिल थी। विश्वनाथ जी एक चित्रकार के साथ साथ एक लेखक के रूप में भी काफी लोकप्रिय रहे। वह वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवनी द लोनली प्रोफेट भी लिखी, जो बहुत प्रसिद्ध है। 25 जून 1955 को 24 वर्ष की आयु में विश्वनाथ प्रताप सिंह का विवाह सीता कुमारी नामक कन्या से हुआ। ईश्वरीय कृपा से उन्हें दो पुत्रों की प्राप्ति हुई जिनके नाम अजय और अभय। दोनों ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, अपने अपने क्षेत्रों बहुत लोकप्रिय हुई है। श्रीमती सीता कुमारी भी शाही राजघराने से संबंध रखती थी, इसी वजह से पति विश्वनाथ ने से सामंजस्य स्थापित करने में उन्हें कोई कठिनाई पेश ना आई। वह हमेशा पति की छाया बनकर उनके साथ रही। उन्होंने सुख दुख में साथ दिया। बीपी सिंह के राजनीतिक जीवन की बात करें तो मांडा के राजा विश्वनाथ जी जन्मजात से नेता रहे। उन्होंने राजघराने का शाही अंदाज कभी पसंद ही ना आया। जब वह आचार्य विनोबा भावे भूदान हेतु एक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे तो उन्हें विश्वनाथ जी ने इलाहाबाद के पासवाना गांव की निजी भूमि दान स्वरूप में दे दी। सभी ने उन्हें बहुत समझाया मगर वे अपने फैसले से हटे नहीं। इतना तो वही व्यक्ति कर सकता है जो मोह माया के बंधन से मैं जकड़ा हुआ ना हो। वह अपना सब कुछ दान करने के बाद ही मुस्कुराते रहे। लाल बहादुर शास्त्री का विश्वनाथ जी से गहरा लगाव था। वे विश्वनाथ जी को अपने पुत्र की तरह ही स्नेह करते थे।
1969 में विश्वनाथ जी ने सोरन विधानसभा सीट के लिए चुनाव लड़ा, जिसमें भारी मतों से विजयी हुए। उनकी बहुमुखी प्रतिभा को देखते हुए 1970 में उन्हें उन्हें कांग्रेस विधान पार्टी का प्रमुख बनाया गया। 1971 में विश्वनाथ जी ने लोकसभा में प्रवेश किया और उन्हें वाणिज्य मंत्रालय में मंत्री बनाया गया। 1977 का वर्ष काफी गहमी गहमी वाला रहा। इस वर्ष लोकसभा चुनाव के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस पर विरोधी बादल मंडरा रहे थे। उन बादलों की घटा में बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की लोकप्रियता सिमट गई। 1980 में फिर लोकसभा के लिए चुनाव लिए और इस दौरान उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद प्राप्त हुआ। अपने मुख्यमंत्री पद रहते हुए विश्वनाथ जी ने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। अपने कार्यालय के दौरान उन्हें ऐसी विषम स्थिति का सामना करना पड़ा कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा। 1983 में विश्वनाथ जी वाणिज्य मंत्रालय सौंप दिया गया बीपी सिंह को। 1984 का वर्ष भारतवर्ष के लिए भारी उथल पुथल वाला रहा। इस वर्ष देश के लोकप्रिय नेता इंदिरा गांधी की उनके ही अंगरक्षकों ने मिलकर हत्या कर दी। उनकी हत्या से सारा देश स्तब्ध रह गया। इंदिरा जी विश्वनाथ जी पर बहुत विश्वास करती थी, लेकिन राजीव जी के आने के बाद वह विश्वसनीयता धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। 1984 से 1987 तक विश्वनाथ जी ने राजीव जी के प्रधानमंत्री काल में वित्त, वाणिज्य और रक्षा मंत्री के पद पर कार्य किया। 11 अप्रैल 1987 को उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। राजीव गांधी जी व विश्वनाथ जी की लड़ाई अधिकारों की लड़ाई थी। विश्वनाथ जी जन जागरण आंदोलन से लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। बीपी सिंह का प्रधानमंत्री का पदभार देखते हैं। कांग्रेस के विकल्प के रूप में कई विपक्षी दलों से मिलकर बने संघ जन मोर्चा ने कामान थामी। इसके बाद 1989 के चुनाव में सिंह की वजह से ही बीजेपी राजीव गांधी को गद्दी से हटाने में सफल रही। राजीव जी की सरकार के गिरने के बाद विश्वनाथ जी को नया प्रधानमंत्री बनाया गया। 2 दिसंबर 1989 को विश्वनाथ जी ने राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्र भारत के 7वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद राष्ट्र के नाम संदेश में उन्होंने कहा, पंजाब, जम्मू कश्मीर व राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जैसी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। बहुत सी अनुसूचित व जनजातियों के लोग निराश्रित हैं, उनको संपूर्ण जीवन जीने का अधिकार देना हमारा प्रमुख ध्येय होगा। विश्वनाथ जी एक निडर राजनेता थे। दूसरे प्रधानमंत्रियों की तरह वे कोई भी निर्णय लेने से पहले डरते नहीं थे, बल्कि वे निर्डरता से कोई भी निर्णय लेते थे। ऐसा ही उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश देकर किया। प्रधानमंत्री के पद रहते हुए उन्होंने देश में बड़े रहे भ्रष्टाचार का भी विरोध किया। अब मंडल कमीशन की बात करें, बीपी सिंह और मंडल कमीशन। प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट संसद में पेश की। दरअसल जनता पार्टी सरकार ने 1979 में मंडल कमीशन का गठन किया था। मंडल कमीशन ने अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में अनेक अनुसंधानें की थी, लेकिन जनता पार्टी उसे लागू कर पाती उससे पूर्व ही वह टूट गई। चुनाव के बाद इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई। बीपी सिंह के हाथ मंडल कमीशन की वही सिफारिशें लग गई थी। उसे संसद में पेश करने के बाद जब अनुशंसाएं लागू हुई तो देश में भूचाल आ गया। सवर्ण और अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में दो नई समस्याएं पैदा हो गई। अन्य पिछड़ा वर्ग के को नौकरियों में 27% का आरक्षण प्राप्त हो रहा था, जबकि सवर्णों को 50.5% ही नौकरी के अवसर रह गए थे, क्योंकि SC और ST के लिए 22.5% पहले से ही आरक्षण था। इस आरक्षण नीति को उच्च शिक्षा के अवसरों पर लागू होना था। मंडल कमीशन की सिफारिश लागू होने होते ही छात्र भड़क उठे और सवर्ण जाति के नौजवानों को लग रहा था कि उनका भविष्य अंधकारमय हो गया। नौजवान यह मांग कर रहे थे कि SC व ST आरक्षण की समीक्षा की जाए और आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सवर्णों के बराबर आ चुके लोगों को सूची से निकाल दिया जाए। अब समस्या और भी जटिल हो गई थी। छात्र हिंसक आंदोलन करने लगे। अनेक छात्रों ने तो आत्मदाह भी कर लिया।
उस समय मेरठ के नेता महेंद्र सिंह टेकेत ने नौजवानों का आह्वान किया और उन नेताओं को सबक सिखाओ जिन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिश लागू की। दिल्ली में अव्यवस्था फैल गई, छात्रों पर अंकुश लगाना पुलिस के बूते से बाहर हो गया। ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय ने 1 अक्टूबर 1990 को मंडल कमीशन के प्रतिवेदन को लागू करने पर रोक लगा दी। इसका परिणाम भी बीपी सिंह के लिए घातक सिद्ध हुआ। फिर 10 नवंबर 1990 को 58 सांसदों ने चंद्रशेखर के पक्ष में पाला बदल दिया। ऐसे में वे बीपी सिंह को प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। उसके बाद बीपी सिंह राजनीति से दूर हो गए। इनके निधन की बात करें तो आज विश्वनाथ जी हमारे बीच नहीं रहे, मतलब 27 नवंबर 2008 को 77 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हो गया था। एक समाज सेवक के रूप में देश सेवा के अपने कर्तव्य का उन्होंने भली भांति निर्वाह किया। अपने देश प्रेम की भावना के लिए वह हमेशा देशवासियों को याद रहेंगे। तो ये था बीपी सिंह की बायोग्राफी या जीवनी।